गुरु रूपी सात संगत जी, गज के फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं तो पहले संत महापुरखा ने अपने विचार रखे, आज दे इतिहास बारे, 100 साल इतिहास बारे सारा कुछ जानू कराया। मैं वो चीजा वापस दोहराना नहीं चाहता। मैं जो गल करना चाहना, जिमें पहले सिंह साहब श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब ने जिक्र किया कि कौम दिया जथेबंदियां एक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, जो अपनी कौम का पार्लीमेंट है। एक श्रोमणी अकाली दल है जो अपनी कौम की फौज है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिमें 101 साल तकरीबन हुए है। क्यों बनी? क्योंकि उस टाइम गुरु घर जो कुछ हो रहा सी, अपनी बुजुर्गों बर्दाश्त नहीं होया, महापुरखों बर्दाश्त नहीं होया, ते उन्हां महंतां तो आजाद करा के गुरु घर आपां सेवा संभाली। ते जदों सेवा संभाली उदों अपने उस टाइम की लीडरशिप ने देखा कि अपनी कौम की चढ़ती कला वास्ते आपां नूं एक फौज की लोड़ है, ताकत की लोड़ है। वो ताकत का रूप उन्होंने श्रोमणी अकाली दल के नाते दिता। जेड़े मुल्क की फौज तकड़ी, उस मुल्क तरफ कोई झाक नहीं सकता। अज अमरीका दुनिया से राज कर रहा है अपनी ताकत से, अपनी फौज के सिर से। जेड़े दूजे मुल्क है, भावे उन्होंने बेइंसाफी हो रही है, पर कर नहीं सकते कुछ, क्योंकि उन्होंने फौज कमजोर है। खालसा जी, थोड़ी फौज श्रोमणी अकाली दल है, 100 साल इतिहास है। इन्ना सारे मोर्चिया का आप जिमें अज का मोर्चा गुरु के बाग के मोर्चे की आप शताब्दी मना रहे हैं, चाबिया के मोर्चे की शताब्दी मनानी है। आजे मोर्चे से जिथे अपने सिंह सिंघणिया ने शांति दिखा के शहादत दित्तियां अपने गुरु घर बचाने वास्ते, अपनी कौम की चढ़ती कला वास्ते। इस करके जे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं कमजोर किया जाऊगा, श्रोमणी अकाली दल नूं कमजोर किया जाऊगा, इहदा मतलब अपनी कौम की ताकत घटूगी। आपां नूं पछाणन की लोड़ है कौन वो लोग ताकतां हैं जिहड़ियां अपनियां कौम नूं ते अपनी कमेटी नूं पार्लीमेंट नूं कमजोर करना चाहुंदियां हैं। किते जिहड़े लोग वो बयान दिंदे हैं, किते उन्हां दा पिछोकड़ देखिया, वो की कहिंदे हैं, कदों कहिंदे हैं। ओही लोग है जिहड़ा किते किते तुसीं देखोगे भरा जिहड़ा उन्हां दा अपना पहरावा है, ऐ लगूगा कि संत महापुरख है, पर बोली बोलते हैं पंथ के खिलाफ। और वो लोग है जिहड़ा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं तोड़ के हरियाणे की कमेटी अलग बनाउंदे है, हरियाणे की कमेटी के प्रधान बागी कमेटी के प्रधान बनी बैठे है। वो ताकत जिहड़ी श्री अकाल तख्त साहब दी सुप्रमेसी नूं मनदे भी नहीं, अपने आप नूं पैरलल जथेदार बनाई बैठे है। पर आपां उन्हां दी गल्लां च आ जाने हैं कि वो लोग अपनी कौम की चढ़ती कला की गल करनगे। हुण मैनूं बड़ा दुख लगता है जदों ओजे लोग श्रोमणी अकाली दल के खिलाफ बयान देंदे है कि श्रोमणी अकाली दल दी ने बेअदबी कराई। कि बेअदबी श्रोमणी अकाली दल कर सकता है? श्रोमणी अकाली दल, सारा श्रोमणी अकाली दल बैठा है, स्टेज पे बैठे हो सारे, आपा बैठे हैं। आपा हर रोज अपने घरे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं
नमस्कार करके फिर आप घरों निकलते हैं, परमात्मा का आशीर्वाद लेके हर रोज आप निकलते हैं। उन्होंने तो लोग कहते हैं कि बदनाम करते हैं, तो आप लोग दूजिया एजेंसियां के इशारे पर चलते हैं। वो ताकत जिहड़े हुण अपने आप नूं एक नवां अकाली दल का नाम देणगे, उन्हां नूं पता है कि अकाली दल नूं खत्म करना, एक होर अकाली दल बना लो। एक दिन अपनी पार्टी च आए, अगले दिन सारे ही सरकारां तों डर के एक होर अकाली दल बना लैंदे। मकसद की है कि थोड़ी पंथ की ताकत नूं कमजोर किया जाए। मैं महापुरखां नूं बेनती करदा हां, आपां भी सारे कट्ठे होके आपां भी पछाणीए, सारी सिख पंथ पछाणीए, कौन सच्चा ते कौन कौम दा गद्दार है। जदों तक आपां कौम दे गद्दारां नूं नहीं पछाणांगे, उहनां ताकतां नूं पछाणांगे, बार बार अपने ते हमले हुंदे रहणगे। श्रोमणी अकाली दल किसे दी जायदाद नहीं, कोई बादल परिवार की जायदाद नहीं, होर किसी परिवार की जायदाद नहीं, आ कौम की जायदाद है। अज सेवा मेरे को, कल किसी को होर होगी, उसके बाद कोई होर होगा। श्रोमणी अकाली दल कौम की ताकत, कौम की जायदाद, कौम की फौज है। इनू कितने कमजोर ना होने दो। मैं एक बेनती करना चाहना है, बड़िया ताकत लगिया अकाली दल नूं ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं कमजोर करन दी कहन लगे है। हुण असीं कब्जा करांगे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे। मतलब की कब्जा करके फिर सारा कुछ बदलना चाहुणे, जिवें दिल्ली हुण शुरू हो गया। जय जय इश्तिहार अज दिल्ली निकले है, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। श्रोमणी अकाली दल ने जिउणा मरना थोड़े वास्ते, हर किस्म की कुरबानी असीं देण नूं तैयार हैं ते दिंदा रहे अकाली दल। जिन्ने भी संघर्ष होए देश की आजादी की लड़ाई विच, सब तो अगे होके देश खातर जे कुरबानियां दित्तियां ते श्रोमणी अकाली दल ने दित्तियां। आजादी के बाद भी पंजाब खातर, कौम खातर कोई भी मसला आया, जे संघर्ष किया, मोर्चा लाया, जंग लगी थी, ते श्रोमणी अकाली दल ने की थी। जो जो कुछ भी अज पंजाब च होया, तुसी भावें खेती की गल कर लो, भावें गरीब वास्ते सहूलत ले लो, भावें बिजली सड़क ले लो, भावें कुछ भी ले लो, जाके देखो कदों होया, उदों ही होया जदों पंथ की थोड़ी सरकार। क्योंकि साढ़े वास्ते सारा कुछ ही पंजाब है, सारा कुछ ही कौम है। जिहड़े दूजे आउंदे है वो इत्थे, जिवें अंग्रेज आए सी, मुगल आए सी, इत्थे हमला करके लुट के चले गए, उन्हां दा कोई दिलों प्यार सी अपने देश दा? आपां गल कर ली, एक मौका दे दिता, राघव चड्डे नूं बनाता, की हो रहा है? इस करके परिवार परिवार ही है, ते परिवार थोड़ा अपना परिवार है, कर लो। पर पार्टी नूं नहीं आपां कमजोर कर देना, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं नहीं आपां कमजोर कर देना। अज अपनी ताकत है। मैं एक बार होर भी कितने गल कीती है, मुस्लिम भाईचारा की कोई पार्टी नहीं है। तुसी देखो उन्हां दी ताकत भावें अपने नालों 20% उन्हां दी आबादी है, अपने नाल ज्यादा, आपां भावें 2% है। अपनी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी करके, अपने श्रोमणी अकाली दल करके 2% ना भी कोई हमला होंदा अपने ते ताकत सेंटर दियां सारियां डरदियां। इस करके अज आपां गुरु के बाग दी जो शताब्दी है, 100 साला मनाउण वास्ते आए हैं। बड़ी खुशी है कि हजारां की गिनती संगत इत्थे आई है। मैं सारे परिवारां नूं बेनती करदा अपने बच्चियां नूं जरूर लेके आया करो इस समागमां विच, क्योंकि अपनी जिहड़ी नवीं पीढ़ी है उन्हां नूं पता लगे कि अपनी कौम दा इतिहास की है, किवें कौम ने शहादतां दित्तियां, किवें कौम ने जुल्म दे खिलाफ लड़ाई लड़ी।
क्योंकि मैं देखिया अपनी नवी पीढ़ी नूं पता ही नहीं अपने इतिहास बारे। सो जिन्हें जे समागम है बड़ी खुशी की गल है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब ने अज ऐलान किया कि लगातार हुण उह पंजाब दे विच पहले भी जाते रहे सारी कमेटी पर हुण मिशन बना के पूरे पंजाब जाके जागरूक लहर आपां छेड़ा करिए। जदों अपना कौम अपनी नवी पीढ़ी जागर हो गई फिर आपनूं कोई कमजोर नहीं कर सकता। सो इस नवी पीढ़ी नूं आपां सिक्खी ना जोड़िए, पूरे उन्हां नूं ज्ञान देइए अपने इतिहास बारे। जिन्ना आपां ज्ञान दे दांगे, जिहड़ा मैं देखिया जिन्हों जिन्हों पता लग जांदा है तो मैं ज्यादा समा ना लैंदा। अज आपां शहीदां नूं याद करन वास्ते कट्ठे होए हैं ते श्रद्धांजलि देन वास्ते कट्ठे होए हैं ते मैं फतेह करदा फतेह बोलदा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।